हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बैंक एफडी के बारे में। एफडी मींस फिक्स्ड डिपॉजिट। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो और साथ में दिया गया बेल बटन प्रेस ना किया हो तो प्लीज़ उसको प्रेस कर दीजिए। एफडी दो टाइप की होती है, टीडीआर एंड एसटीडीआर। आज हम बात करेंगे टीडीआर के बारे में। टीडीआर क्या है? टीडीआर मींस टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। TDR FD का एक टाइप है जिसमें आप इंटरेस्ट चूज कर सकते हैं, आपको मंथली चाहिए या क्वार्टरली। इस स्कीम को इंटरेस्ट पे आउट ऑप्शन भी कहते हैं। ये स्कीम उनके लिए सूटेबल है जिनको रेगुलर इनकम आती है। TDR कैसे काम करती है? इसमें बिग अमाउंट को स्पेसिफिक टाइम के लिए जमा करते हैं। आपको बताना होता है आप इंटरेस्ट मंथली लेंगे या क्वार्टरली। आपको इंटरेस्ट चुनी हुई इंटरेस्ट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अवधि पूरी होने पर मिलता है। अवधि पूरी होने पर आपको पूरा अमाउंट वापस मिल जाता है। टर्म, सबसे पहले हमें टर्म चूज करना पड़ता है। इसमें मिनिमम टर्म 7 दिन होते हैं और मैक्सिमम टर्म 10 साल होते हैं। कुछ बैंक 20 साल तक भी टर्म ऑफर करते हैं। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट अकाउंट ओपन करने के दिन से अवधि पूरी होने तक सेम रहता है, चाहे बाद में इंटरेस्ट रेट में चेंज ही क्यों न हो जाए। इंटरेस्ट रेट टाइम टू टाइम वेरी करता है। हर एक बैंक का इंटरेस्ट रेट अलग होता है। आपको लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के लिए अपने बैंक जाना होगा। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, इस स्कीम में कंपाउंड इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। इस स्कीम में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। फीचर्स, सेफ इन्वेस्टमेंट है, गारंटीड रिटर्न्स है। इसमें मंथली या क्वार्टरली इनकम होती है। सीनियर सिटीजन को दूसरे कस्टमर के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। टैक्स बेनिफिट, 1.5 लाख तक की एफडी 5 साल के लिए इनकम टैक्स सेक्शन 80C के अंडर आएगी, जो टैक्स सेविंग के लिए रहेगी। 5 साल टैक्स सेविंग के अलावा दूसरी किसी भी एफडी में टैक्स सेविंग का बेनिफिट नहीं मिलता। फाइनेंशियल ईयर में 10,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने पर बैंक से TDS डिडक्ट होता है। बैंक हमें टैक्स डिडक्शन का TDS सर्टिफिकेट देता है। जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। आपको टैक्स रिटर्न के दौरान अदर सोर्सेज से आय के तहत इंटरेस्ट इनकम बताना होगा और इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स भरना होगा। हु कैन ओपन दी अकाउंट, इसमें आप इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप 2 या 2 से ज़्यादा का भी जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं? अकाउंट कैश या चेक देकर ओपन कर सकते हैं। चेक की रिलीजिंग डेट ही अकाउंट ओपनिंग की डेट मानी जाएगी। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो आप TDR सेविंग अकाउंट फंड से क्रिएट कर सकते हैं। डिपॉजिट लिमिट, कम से कम आपको 1,000 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे। अमाउंट डिपॉजिट करवाने की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। आप कितना भी अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हैं। इंटरेस्ट क्रेडिट मेथड, इसमें आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मंथली या क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। मंथली इंटरेस्ट पेमेंट डिस्काउंट रेट पर होगा। ऑटो रिन्यूअल फैसिलिटी, अगर आप कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं देते तो मैच्योरिटी पूरी होने पर TDR अकाउंट ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है। इस अकाउंट को सेम पीरियड के लिए रिन्यू किया जाएगा जिसके लिए यह स्टार्टिंग में डिसाइड हुआ था। रिन्यू पीरियड का इंटरेस्ट रेट वही होगा जो मैच्योरिटी वाले दिन होगा। प्री मैच्योर क्लोजर, टाइम से पहले हम TDR को क्लोज कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें पेनल्टी पे करना होगा। अर्न इंटरेस्ट का पेनल्टी अमाउंट 1% होगा। अगर आप TDR को टाइम से पहले क्लोज करते हैं और आपका सेविंग अकाउंट माइनस में है तो भी आपको पेनल्टी पे करना होगा। पेनल्टी अमाउंट टाइम टू टाइम चेंज होता है।
लोन फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, ये हमें डिपॉजिट अमाउंट का 90% मिलेगा। अकाउंट कन्वर्जन, आप TDR को STDR में या STDR को TDR में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अकाउंट ट्रांसफ़र, आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अकाउंट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है और आप अपने नॉमिनेट को अकाउंट ओपन करते समय या बाद में डिक्लेयर कर सकते हो, बट मैच्योरिटी पूरी होने से पहले। एनआरआई रेजिडेंटल फिक्स डिपॉजिट ओपन नहीं करवा सकते, लेकिन एनआरआई फिक्स डिपॉजिट ओपन करवा सकते हैं और ये दोनों स्कीम अलग है। दोस्तों यहाँ पर TDR का एक एग्जांपल दिखाया गया है। मान लीजिए हमने 150,000 रुपये जमा करवाए और इंटरेस्ट रेट 6.8% है, टर्म 5 ईयर है और हमें इंटरेस्ट मंथली चाहिए, तो हमें मंथली 845.21 रुपये मिलेंगे। टोटल इंटरेस्ट हमें 50,712.63 रुपये मिलेंगे। टोटल अमाउंट हमें 2,712.63 रुपये मिलेंगे। आपको हर महीने 845.21 रुपये मिलेंगे। आपको टर्म के एंड में आपका पूरा डिपॉजिट अमाउंट मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट टाइम टू टाइम और बैंक टू बैंक वेरी करता है। दोस्तों अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।